नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन और माउथ अल्सर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे मुंह के छालों का जो सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है। वैसे तो हमने पिछली वीडियोस में सारे कारण डिस्कस किए हैं और हमने ये भी बताया था कि हर इंसान में अलग अलग कारण हो सकते हैं और एक इंसान में एक से ज़्यादा भी कारण हो सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट जो है एक कारण की बजाय दूसरे कारण का दिया जाए तो पेशेंट में कोई भी आराम नहीं आता। इसलिए डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है ओरल फिजिशियन से या माउथ अल्सर स्पेशलिस्ट से या कैंसर फिजिशियन से। तो आज मैं सबसे बड़ी बात करूँगा कि जो इन इतने कारण जो हमने गिनाए थे उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है मुँह के छालों का वो क्या है, और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और आप इसी पर विचार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आज रीज़न बताने जा रहा हूँ उसको आप हर छाले के अंदर इंक्लूड कीजिए। हर इंसान के अंदर वो कारण मिलेगा, चाहे वो मेन कारण हो या मेजर हो या माइनर हो। तो बेसिकली हम ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई बीमारी किसी के पैर में है या फेफड़ों में है या हार्ट में है तो हम हमेशा उसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जो डॉक्टर होते हैं वो उसी अंग के अंदर या ऑर्गन के अंदर उस चीज़ को ढूंढते हैं, उसी की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उसी के ट्रीटमेंट करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुंह के छालों के बारे में ऐसा नहीं होता है। जब भी मुंह के छाले होते हैं किसी को तो ये बोला जाता है कि आप ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए, बिना देखे कि छाला कैसा दिख रहा है, वो फैल तो नहीं रहा, उसके अंदर कोई दांत तो नहीं चुभ रहा, वो किस प्रकार का है, बिना किसी लक्षण के हम दवाई स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक रीज़न है बहुत बड़ा जिसकी वजह से हमारे छाले परमानेंट तौर पर ठीक नहीं होते हैं। और दूसरी एक बात मुँह के छालों के बारे में बड़ी विडंबना है कि जब भी मुंह के अंदर छाले होते हैं तो हम सिर्फ पेट की बीमारी, पेट की गर्मी, पेट की कब्जी या लीवर की गर्मी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पे बीमारी होती है सभी डॉक्टर सभी चीज़ें हम वहीं पे ध्यान देते हैं, बट जब मुंह के छाले की बारी आती है तो हम मुँह को देखना ही भूल जाते हैं और मुँह का कारण जो है छाले का वो मुँह में ढूंढने की बजाय हम पेट में, लीवर में या कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। तो आज जो मैं सबसे बड़ा रीज़न बताने वाला हूँ या एक मिथ बस्ट करने वाला हूँ वो यही है कि जहाँ बीमारी है हमें सबसे पहले उसको वहीं ढूंढना है और वहीं पे उसका रीज़न निकालना है और वहीं पे उसका इलाज करने की कोशिश करनी है। बाकी सभी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मुँह के अंदर छाले हैं तो हमें पहले सबसे पहले मुँह का चेकअप करवाना है किसी ओरल फिजिशियन से या माउथ अल्सर स्पेशलिस्ट से, और फिर मुँह के अंदर जो भी कारण है उनको हमें उनका निवारण करके फिर हमने देखना है कि हमारे छाले अगर ठीक नहीं होते तो हम किसी और अन्य रीज़न के बारे में सोचें। होता ये है कि पहले हम बाकी कारण के इलाज ले रहे होते हैं इसलिए मुंह के छाले नहीं ठीक होते। तो जो अगर कारण हमने सही नहीं ढूंढा और सही कारण की दवाई नहीं ली तो हमारे मुंह के छाले भी नहीं ठीक हो सकते। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे मुंह के छाले के अंदर वो है कारण मुंह इट्सेल्फ, मतलब मुंह के अंदर जो लोकल फैक्टर्स हैं, मुंह का जो एनवायरनमेंट है, जैसे दांत हो गया, जीभ हो गई या पायरिया हो गया, मुंह के अंदर जो पपड़ी जमती है, गंदगी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। और मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये कह सकता हूँ कि जितने भी छाले किसी भी पेशेंट में किसी भी उम्र में अगर होते हैं तो लोकल फैक्टर्स का मोर देन 50% रोल रहता है, चाहे वो छाले स्टार्ट होने में हो या छाले को बढ़ाने में। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आपके छाले हो या किसी को आपके परिवार के सदस्य में छाले हो रहे हैं तो हमेशा पहले आप उसका मुँह की जाँच करवाइए मुँह के छाले के स्पेशलिस्ट से, ओरल फिजिशियन से, कि मुँह के अंदर कोई गंदगी या कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, जीभ साफ है या नहीं है, मुँह के अंदर पूरी सफाई हो, मुँह में कोई टूटा हुआ दांत नहीं हो, कोई नकली दांत नहीं चुभ रहा हो या कोई दार नहीं चुभ रही हो, कोई तार तीखी तो नहीं है और कोई नुकीलापन नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे हर बार, सबसे पहले मुँह की बीमारी को मुँह के अंदर ढूंढेंगे और उसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके जो छालों में जो रिलीफ आएगा वो परमानेंट आएगा और आपके जो डॉक्टर्स हैं वो भी अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मुंह के अंदर छाले हो आप अपना पहला जो है मुंह का चेकअप करवाइए ओरल फिजिशियन से या माउथ अल्सर स्पेशलिस्ट से। थैंक यू।